हथेली पर स्वास्तिक का निशान, अत्यंत भाग्यशालियों की निशानी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश जी का प्रतीक माने जाने वाले स्वास्तिक अगर किसी की हथेली में है तो समझ लीजिए उसके भाग्य ही खुल गए। जी हाँ, हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक जिनकी हथेली में स्वास्तिक का निशान होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ होना। हथेली में किस स्थान पर स्वास्तिक का निशान से क्या लाभ होता है? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी की भाग्य रेखा पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो तो यह अत्यंत शुभ होता है। यह जातक को जीवन में कई सुनहरे मौके दिलाता है। नौकरी हो या व्यवसाय हो या हर क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दिलाता है। यही नहीं, यह आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में किसी भी स्थान पर अगर स्वास्तिक का निशान हो तो यह व्यक्ति के धनवान होने का संकेत होता है। कहते हैं कि इनके जीवन में कभी आर्थिक तंगी भी आ जाए तो ये अपनी सोच और समझदारी के बलबूते वापस मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। कहते हैं कि इनके जीवन में सारी संपत्ति इनकी खुद की बनाई हुई होती है। अगर किसी की हथेली में स्वास्तिक और गुरु पर्वत एक ही स्थान पर हो यह शुभ संकेत होता है। इसका आशय होता है कि जातक के जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे जातकों का मेल जोल भी हमेशा सुलझे और समझदार व्यक्तियों के साथ भी होता है। अगर किसी की हथेली में गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का निशान हो तो मान लीजिए वह व्यक्ति अपने कुल का नाम बढ़ाएगा। वह नौकरी करे या व्यवसाय करे हर जगह उसकी कीर्ति होगी। यही नहीं, वह व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। दूसरों की मदद करने में उन्हें सुकून मिलता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।